गुड मॉर्निंग। स्टार्ट कर लेते हैं भाई। क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ध्यान सुनो भाई, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो एक्सपेरिमेंटली करंट किसी आर्म में कितना फ्लो कर रहा है सर्किट के वो बताएंगे, किसी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो बताएंगे, किसी सर्किट एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना है वो बताएंगे। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू फाइंड करंट अक्रॉस एनी एलिमेंट, मतलब किसी बैटरी से कितना करंट निकल रहा है या किसी रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको जानने के लिए काम आएगा। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी एलिमेंट, किसी रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी बैटरी के अक्रॉस कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी बैटरी का कितना ईएमएफ है, ये सब जानने के काम आएगा। रेजिस्टेंस ऑफ एनी एलिमेंट, किसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, ये सब जानने के काम आएगा। लेकिन कैसे? एक्सपेरिमेंटली। हमारे पास कुछ डिवाइसेज होंगे, वही इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे, उनमें रीडिंग आ जाएगी कि करंट 1 एम्पियर, वोल्टेज 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस 5 ओम, इस टाइप से कुछ रीडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। एक्सपेरिमेंटली हम डिड्यूस करेंगे अब इन सब चीजों को यूजिंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है भाई, क्लियर है? तो यस लिखो फटाफट। अब हम एक एक करके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, ठीक है? इतनी बात, कई सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, कुछ का कंस्ट्रक्शन हम इस चैप्टर में नहीं डील कर पाएंगे। जैसे गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर कई टाइप का होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है? इतनी बात, तो कई टाइप का गैल्वेनोमीटर होता है, तो गैल्वेनोमीटर हम इस चैप्टर में उसका कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे। कहां पर पढ़ेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर में, ठीक। लेकिन गैल्वेनोमीटर के बारे में हम यहां पर यह जरूर पता करेंगे गैल्वेनोमीटर करता क्या है, ठीक है, उसका यूज क्या है, ठीक है। दूसरा, वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में कैसे पार्टिसिपेट करता है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले गैल्वेनोमीटर। ज्यादा डिटेल में गैल्वेनोमीटर को नहीं लेंगे, वो हम अगले चैप्टर में लेंगे। गैल्वेनोमीटर, अब गैल्वेनोमीटर क्या है? इट इज डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट करंट एंड इट्स डायरेक्शन इन सर्किट एलिमेंट। ये एक डिवाइस है जिससे हम सर्किट एलिमेंट में करंट और उसकी डायरेक्शन के बारे में कमेंट कर पाएंगे। क्लियर है भाई? ठीक, अगर क्लियर है तो यस लिखो फटाफट। अब होता क्या है, इसमें क्या खेल है कि आगे के चैप्टर में आप पढ़ोगे कि जब किसी गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करता है तो उसकी नीडल डिफ्लेक्ट करती है। नीडल क्या करती है? डिफ्लेक्ट करती है। ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा हुआ है कि करंट कैरिंग वायर पे फोर्स या टॉर्क लगता है जब हम क्या कहते हैं, करंट फ्लो कराते हैं अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, ठीक है। टॉर्क लगता है तो वो नीडल जो उसकी होगी क्या होगी? डिफ्लेक्ट होगी। क्या कहानी है? अगर कहीं पर भी करंट फ्लो कर रहा है किसी एलिमेंट में,
मान लो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसमें करंट इस डायरेक्शन से है, हमने यहां पे गैलोमीटर लगा दिया, ठीक है। अब गैलोमीटर लगा दिया तो इसमें एक नीडल होता है, ये जीरो है, जीरो डिग्री। अगर करंट आएगा तो ये नीडल इधर की तरफ टॉर्क लग गया इस पर और यहां शिफ्ट कर गया, इतना एंगल थीटा, ऐसा कुछ। और अगर इसी में रेजिस्टेंस में करंट इधर से आ रहा है तो यही नीडल हमारा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से करंट का डायरेक्शन पता चलता है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया नहीं कि टॉर्क कैसे लगता है, वो हम मैग्नेटिक वाले चैप्टर में सीखेंगे। क्लियर है बात? अरे क्लियर है तो यस लिखो बेटा। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से जब करंट होता है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन से करंट होगा तो हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? इतनी सी बात है, ये अभी आपको इतना जानना है। जब गैलोमीटर का हम वर्किंग पढ़ेंगे या कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तब हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि कौन से केस में एंटी क्लॉकवाइज, कौन से केस में क्लॉकवाइज नीडल पॉइंट करेंगे। अब एक और चीज, जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, जितना ज्यादा रोटेशन उतना ही ज्यादा करंट थ्रू द सर्किट, या जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा नीडल क्या करेगी, रोटेट करेगी। यस और नो? ठीक है। आप इसका काम, जैसे कोई आपके पास दीवार है उसमें करंट आ गया, अब आप वायर में तो दीवार तोड़ के वायर में तो गैल्वेनोमीटर लगाओगे नहीं, तो आप उस दीवार के पास भी अगर गैल्वेनोमीटर को ले जाओगे, मान लो जीरो डिग्री है, दीवार में करंट मान लो ऊपर की तरफ था तो नीडल इधर की तरफ आ गया कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, और अगर करंट नीचे है तो नीडल इधर हो जाएगा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, इस टाइप से। मतलब इसको आप पास में भी रखोगे अगर किसी करंट कैरिंग एलिमेंट के तो भी आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि गैलोमीटर एक डिवाइस है जो करंट के डायरेक्शन और करंट के बारे में कमेंट कर रहा है, ठीक है, इतनी बात। और करंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल है, कुछ नहीं करना डायरेक्शन वगैरह याद, ठीक है, इतनी बात। बस हमें यह ध्यान रखना है कि अगर किसी रजिस्टर में इधर से करंट है डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो उधर से जब करंट होगा तो डिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज होगा, बस इतनी सी बात याद रखनी है। क्लियर है? बाद में आपको पता चल जाएगा जब हम मैग्नेटिक वाला चैप्टर करेंगे। अब तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, मैग्नीट्यूड इसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, मतलब एंगल थीटा क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, डायरेक्शन अल्टी पल्टी हो जाएगी अगर क्या कहते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। अब ये तो ये आ गया। अब गैलोमीटर का सिंबल सर्किट में ऐसे बनाया जाएगा, दिस इज सिंबल ऑफ गैलोमीटर, और गैलोमीटर क्योंकि बनता कुछ वायर से ही है तो इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर, जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर। अब एक और चीज, अब मेरी बात सुनो, अगर करंट जीरो है, ध्यान सुनना, अगर करंट जीरो है मतलब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो थीटा क्या होगा, जीरो होगा। यस और नो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, करंट जीरो है तो थीटा जीरो होगा, ठीक है। करंट अगर बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, करंट अगर बढ़ेगा थीटा बढ़ेगा कि नहीं, ठीक है। करंट मैं बढ़ाता जाऊं थीटा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन हर डिवाइस की कुछ ना कुछ बेटा, हर, अब जैस्मिन कह रही है रेजिस्टेंस कैसे है, हर डिवाइस तार वगैरह से बनता है और कंडक्टिंग वायर की कुछ ना कुछ हमेशा रेजिस्टेंस होती है भाई, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी, मैंने वो रेजिस्टेंस बता दी आपको कितनी है, जी है, वो आपके गैलोमीटर पे लिखा होगा। अब क्या कहानी है, ये हमारे पास गैलोमीटर है, इसकी रेजिस्टेंस जी है। अब अगर इसमें मैं करंट बढ़ाता हूं तो थीटा बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अरे यस और नो?
जल्दी बोलो यार। ज्यादातर गैलोनोमीटर में जो हमारा डायल होता है नीडल का, वो कुछ ऐसा होता है, दिस इज जीरो, इधर मैक्सिमम 90 डिग्री और इधर भी मैक्सिमम 90 डिग्री, या 72 डिग्री वाले स्कूल में भी मैंने देखे हैं अपने टाइम पे, 72 डिग्री होता था, इधर 72 मैक्सिमम होता था, इधर 72 मैक्सिमम होता था, मैंने इतना ही देखा है, ठीक है, मैंने 90 वाला देखा भी नहीं है, लेकिन कुछ किताबों में ऐसा भी बना रखा है। अब क्या कहानी, मेरी बात सुनो, अगर करंट आपका बढ़ता है तो थीटा बढ़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, ठीक है, थीटा बढ़ेगा, जब करंट की वैल्यू ऐसी हो जाए कि थीटा 90 हो गया, थीटा मैक्स कितना हो गया, थीटा मैक्स। अब एक बात बताओ, अब अगर मैं करंट बढ़ाता हूं इससे ज्यादा, तो गैलोमीटर उस करंट की रीडिंग को नहीं दे पाएगा, मतलब गैलोमीटर की औकात कितनी थी, 90 डिग्री मैक्सिमम एंगल तक, ठीक है, इसकी लिमिट थी, इसके बाद या तो गैलोमीटर खराब हो जाएगा या रीडिंग नहीं देगा, हाँ फूक जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, सही कह रहा है, ठीक है। तो क्या कहानी है, इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग जो करंट होगा आई जी इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, देखो मैंने लैंग्वेज क्या लिखी, आई जी इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, इसका मतलब ये वाला करंट मैक्सिमम करंट है जो गैलोमीटर के अक्रॉस फ्लो कर सकता है, हाँ या ना। अरे बात समझ में आ गई, क्योंकि हर मेजरिंग डिवाइस की कोई ना कोई लिमिट होती है, आप मीटर स्केल उठाओ तो एक मीटर ही मेजर कर सकता है, ठीक है, उससे बड़ा होगा तो उसको मेजर करने के लिए एक मीटर यूज नहीं हो सकता। सेम आई जी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, जब आई जी होगा तो थीटा मैक्स होगा, ठीक है, या इसका मतलब यह कि इतना करंट मैक्सिमम मेजर कर सकता है, इससे कम मेजर कर सकता है, बस यही दो पॉसिबिलिटीज है, अरे हाँ या ना, ठीक है, मतलब जीरो से लेके आईजी करंट तक ही ये मेजर कर सकता है। लेफ्ट में डिफ्लेक्शन होगी भाई, तब भी तो मैग्नीट्यूड यही होगा यार, कुछ बदल थोड़ी जाएगा गगन, ठीक है। तो अब जरा देखो, मैक्सिमम करंट अक्रॉस गैलोमीटर इज आईजी, कॉल्ड एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जी इज गैलोमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड दिस इज सिंबल ऑफ गैलोमीटर, इतनी बात हो गई। इट इज यूज टू डिटेक्ट करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट एलिमेंट, यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो भाई फटाफट, फिर आगे बढ़े। चलो अब देखो, अब हम एक एक करके दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं। गगनदीप, डिफ्लेक्शन अगर लेफ्ट में होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल जब करंट, हमने करंट ऐसे लिया था, इधर से जाएगा तो लेफ्ट में हो जाएगी डिफ्लेक्शन, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा। अब अगला डिवाइस जो आता है हमारे पास, दैट इज एमीटर। क्या आता है, एमीटर, ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात ध्यान सुनो, एमीटर या डीसी एमीटर, इसको डीसी एमीटर बोले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब ये कैसा डिवाइस है, इट इज यूज्ड टू मेजर डीसी करंट अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट। ये सिर्फ यूज होता है डीसी करंट, इस चैप्टर में हम डीसी पढ़ रहे हैं भाई, हमारा करंट किसी भी तार में कांस्टेंट ही था इस चैप्टर में, ठीक है। तो एमीटर इज यूज्ड टू मेजर डीसी करंट अक्रॉस सर्किट एलिमेंट, ठीक है। अब पहले मैं इसका सिंबल वगैरह बता दूं, उसके बाद इसकी वर्किंग और इसका कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं। इसका सिंबल ऐसा,
इसका रेजिस्टेंस आर ए, रेजिस्टेंस कितना आर ए, क्लियर है भाई? अरे ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब अगर मुझे मान लो इस रेजिस्टेंस में करंट चाहिए, एक्सपेरिमेंटली चाहिए, कैसे चाहिए? एक्सपेरिमेंटली। अरे क्लियर है? ठीक है, अब इसमें भी ऐसे ही होगा, ये एमीटर होगा, इसमें नीडल बनी होगी, 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इधर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इस टाइप से। अब अगर करंट इधर से आ रहा है तो हम मान लेते हैं इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, इधर से आ रहा है तो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब मुझे इस रेजिस्टेंस में करंट बताना है एक्सपेरिमेंटली। ध्यान सुनना, बहुत ही बढ़िया टॉपिक, और एग्जाम में सवाल आता है, कभी भी नहीं छूटेगा आपका क्वेश्चन एमीटर वोल्ट मीटर का, ठीक है, आएगा हमेशा। अब मेरी बात सुनो, इसमें जो करंट हुआ थियोरेटिकली, आई थियोरेटिकली ओम्स लॉ के हिसाब से ई अपॉन आर, हां या ना? ई अपॉन आर आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बढ़िया, ये हमने थियोरी में पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? अरे बाकी लोग भी बोलो हर्षित के अलावा। ठीक, अब मुझे क्या करना है, एक्सपेरिमेंटली करंट निकालना है। मतलब अब दो तरीके हैं, पहला ये, ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू एलिमेंट जिसके क्रॉस करंट निकालना है, हाँ या ना? एक केस मैंने ये करा, अभी देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, दो केस बनाऊंगा, ठीक है, इतनी बात। अरे क्लियर है? अब जरा देखो, हाँ मैं दोनों केस बनाऊंगा बेटा, चिंता ना करो। अब एक बात बताओ, पहले तो जो करंट ये आई थ्योरेटिकल था उससे कुछ अलग करंट यहां से निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे यस और नो? ठीक है, मान लो कितना निकला, आई निकला, वो आई यहां दो हिस्सों में डिवाइड होगा, एक्स और वाई, यस और नो? क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस हैं, एक आर ए है और एक आर है। अब आपको जो रीडिंग्स मिलेगी, वी विल गेट एक्सपेरिमेंटल करंट वाई, वी विल गेट एक्सपेरिमेंटल करंट वाई, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, वी विल गेट एक्सपेरिमेंटल करंट वाई। अब वाई एक्सपेरिमेंटल करंट आ गया, बट वाई इज नॉट इन रेजिस्टेंस आर। क्या वाई आर का करंट है? क्या वाई आर का करंट है? नहीं है। ठीक है, इतनी बात। और अगर नहीं है तो हमने गलत करंट मेजर कर लिया, हमें तो एक्स मेजर करना था, एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिलना चाहिए था? एक्स, लेकिन एक्स तो मिला नहीं, हमें क्या मिल गया? वाई मिल गया भाई। सबको समझ में आ गया? तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एम मीटर शुड नॉट बी इन पैरेलल टू सर्किट एलिमेंट। एमीटर शुड नॉट बी इन पैरेलल टू सर्किट एलिमेंट, यस और नो? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद
अगला केस देखते हैं, हम सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं कि एमीटर पहले लगेगा कैसे, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। अब देखो भाई, अब हम क्या करते हैं, एमीटर को रेजिस्टेंस के सीरीज में जोड़ते हैं, जोड़ देते हैं भाई। उसी रेजिस्टेंस के सीरीज में ये देखो, हाँ या ना, राहुल बेस्ट कह रहा है फिर वाई निकल गया तो एक्स निकाल लो। अबे एक्स निकाल लो तो थ्योरी का यूज कर रहा है, मुझे मीटर में जो रीडिंग आएगी वो बतानी है राहुल, जो मीटर में रीडिंग आएगी वही दिखेगी ना तुझे, ना ये ई पता है ना ये आर पता है, अननोन है सारा का सारा, तूने मीटर लगाया तुझे रीडिंग मिल गई कुछ। अब सुनो भाई, अब मेरी बात सुनो, यहां पर आ गए हम, अब एक बात बताओ, दिस आई इज ई अपॉन आर प्लस आर ए, यस और नो, यस और नो। अब एक और मजेदार बात, आई इज रीडिंग, क्योंकि यही करंट फ्लो कर रहा है मीटर में, आई इज रीडिंग ऑफ एम मीटर विच इज करंट अक्रॉस आर रजिस्टर, हाँ या ना, आई इज रीडिंग ऑफ एम मीटर विच इज करंट अक्रॉस आर रजिस्टर। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल रीडिंग हो गया कि नहीं हो गया, हो गया एक्सपेरिमेंटल रीडिंग। अब एक मजेदार बात देखो, एक्सपेरिमेंटल रीडिंग में डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल रीडिंग, जरा देखो, थ्योरी वाले करंट में ई अपॉन आर है और एक्सपेरिमेंटल में ई अपॉन आर प्लस आर ए है, हां या ना, इसका मतलब इसको एक्सपेरिमेंटली करने बेटा ज्यादा अच्छा रहेगा, आई एक्सपेरिमेंटल इज लेस देन आई, हां या ना, थियोरेटिकल मानते हो या नहीं मानते हो, आई एक्सपेरिमेंटल इज लेस देन आई थियोरेटिकल मानते हो, ठीक है। अब मतलब देयर इज एरर इन एक्सपेरिमेंटल रीडिंग, एरर आया कि नहीं आया, अरे हां या ना, तो देयर एग्जिस्ट सिस्टमैटिक एरर इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, सिस्टमैटिक एरर आएगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में, यस और नो, ठीक है, मतलब हमेशा मेजर्ड वैल्यू छोटी होगी, इसको सिस्टमैटिक एरर कहते हैं, मतलब जो एरर है एक ही साइड का है। अब एक और चीज बात करते हैं बेटा, अब अगर मुझे एरर को रिड्यूस करना है टू रिड्यूस एरर आर ए मस्ट बी रिड्यूस्ड, आर ए मस्ट बी रिड्यूस्ड और नॉट, ठीक है भाई, आर ए को छोटा करना पड़ेगा, आर ए को छोटा करोगे तो एरर रिड्यूस होगा। अब एक और चीज, फॉर आइडियल एम मीटर आर ए टेंड्स टू जीरो, आई एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू आई थ्योरेटिकल, नो एरर, हां या ना, हां या ना,
अब आप खुद देख लो, अगर एरर आपको रिड्यूस करना है तो आपको आरए को छोटा करना पड़ेगा, और आरए अगर जीरो हो जाए किसी तरीके से, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब एक चीज मेरी बात ध्यान सुनना, इफ हर्षित किसी भी एक्सपेरिमेंट में एरर होता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं आइडियल बोल दूं या क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो आप एमीटर को आइडियल मानोगे। एमीटर को क्या मानोगे? आइडियल मानोगे। क्लियर है? अब राहुल बिस्ट का सवाल है, करंट तो पता चल रहा है, मीटर लगाने का फायदा क्या है? राहुल तुझे ई नहीं पता है, करंट कैसे पता चला जरा बताना। तुझे स्कूल में एक बैटरी ऐसी दे दी गई, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, अब बताना जरा करंट कैसे बताएगा थियोरेटिकली, बता फटाफट जल्दी। अब पता नहीं क्या लिखा रहा है, तेरी बात समझ में नहीं आई। अब हो गया ये, अब मेरी बात सुनो, ये आ गया हमारे पास। अब हम एमीटर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, अभी तक हमने एमीटर बनाया नहीं, मैंने एमीटर का क्या करा, सूर्य जरूरी नहीं है, जो बात तू लिख रहा है कोई जरूरी नहीं है, मैंने एक एग्जांपल लिया कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इतनी बात कहीं भी लगा सकते हैं आप एमीटर। अब क्या कहानी है हमारे पास, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ एमीटर, हमने एमीटर को यूज कैसा करना है वो हमने बता दिया आपको, कि एमीटर हमेशा सर्किट एलिमेंट जिसमें करंट निकालना है उसके सीरीज में लगेगा, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ करंट थ्योरेटिकल से कम होगी। तो अगर आप एरर को कम करना चाहते हैं तो एमीटर का रेजिस्टेंस घटा दें, और एमीटर का रेजिस्टेंस अगर जीरो हो जाता है तो इट वुड बी आइडियल एमीटर, ठीक है, इतनी बात, और उस केस में एरर जीरो हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, तो आप एमीटर को आइडियल लेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में ऐसा है कि एमीटर का रेजिस्टेंस निकाल दो तो वो आइडियल नहीं है भाई। क्लियर है? अरे वेल एंड गुड और नॉट, जल्दी बोलो यार, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्शन पे आ जाएं। अब कंस्ट्रक्शन पे जब हम आ रहे हैं तो एक चीज देखो, फॉर गुड एमीटर आर ए शुड बी स्मॉल, यही बात हो रही थी कि नहीं हो रही थी? अगर आर ए छोटा होगा तो एरर कम होगा मेजर्ड वैल्यू में, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कंस्ट्रक्शन ऑफ एमीटर यूजिंग गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से, गगनदीप ये सिर्फ डीसी करंट मेजर करता है इसलिए बोलते हैं इसे, ठीक है, रुक जाओ। अब क्या कहानी, कंस्ट्रक्शन ऑफ एमीटर यूजिंग गैल्वेनोमीटर, स्वयं होती है एमीटर की ब्रेकडाउन, अब एमीटर कंस्ट्रक्ट करेगा तब पता चलेगा वो, ठीक है, अभी इतनी जल्दबाजी मत रहो, अभी एमीटर खत्म नहीं हुआ। अब एमीटर बनाना है यूजिंग गैल्वेनोमीटर, हमने क्या करा, पहला खेल ये करा जी, और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया एस, ये डब्बा हमारा मैंने कहा एमीटर है। अब ये सही है गलत है ये चेक करना है, दिस इज एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इन दिस केस विल बी जी प्लस एस, हाँ या ना, दोनों सीरीज में है, एस इज एनी रेजिस्टेंस विच इज कॉल्ड एस शंट। एक बात बताओ, रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा, रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा है, इंक्रीज किया है, ठीक है। अब तो ये केस तो बिल्कुल बेकार है क्योंकि हमें रेजिस्टेंस घटानी है, जी से भी छोटा करना है, तो हम शंट रेजिस्टर को सीरीज में नहीं लगा सकते। अब एक काम करते हैं बेटा, मैं आपको हर चीज का लॉजिक दे रहा हूं कि क्यों हम पैरेलल में लगा रहे हैं, क्यों हम सीरीज में लगा रहे हैं, सारी बातें बता रहा हूं मैं आपको। अब अपने पास क्या है, दिस इज जी, पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाया एस। अब ये जो हमारा बॉक्स बना ये एमीटर हो गया, ये वाला एमीटर हो गया, रेजिस्टेंस एमीटर की आर ए विच इज जी एस अपॉन जी प्लस एस, हाँ या ना,
अरे यस और नो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये रेजिस्टेंस आ गया, घटा या बढ़ा, जी से छोटा हुआ या जी से बड़ा हुआ, जी से छोटा या जी से बड़ा, जी से छोटा। और अच्छे से छोटा करने के लिए एस मस्ट बी वेरी स्मॉल, डीप शंट रेजिस्टेंस कोई भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इतनी बात। कनेक्टिंग रेजिस्टर को शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, अंग्रेजी का वर्ड है शंट, ठीक है, इतनी बात, और कुछ नहीं है। जैसे ट्रेन्स को जब जोड़ते हैं बोगीज को, तो शंटिंग कहते हैं, तो दैट इज शंट, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब शंटिंग मीन्स जोड़ना, एक एंड को दूसरे एंड से जोड़ना, बस, और कोई मतलब नहीं, अंग्रेजी का वर्ड है, ठीक है, इससे यहां फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। अब तो आर ए इज जी एस अपॉन जी प्लस एस, अगर एस छोटा होगा तो आर ए और ज्यादा छोटा होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ मुझे, बोलो बेटा। हाँ, और एक और मजेदार बात, इफ एस इज टेंडिंग टू जीरो, आर ए टेंडिंग टू जीरो, आइडियल एमीटर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ या ना? ठीक है भाई, अब इतनी बात हो गई, अब मेरी बात सुनो। अब ये डब्बा किसी के साथ लगाओ, अब मुझे बताना है स्वयं जो बोल रहा था, क्या कहते हैं, एमीटर की रेंज क्या होगी, ठीक है, अब उस पे आ रहे हैं। अब ये डब्बा हमारा क्या है, एक एमीटर है, तो ये किसी ना किसी एलिमेंट के साथ सीरीज में लगा होगा कि नहीं लगा होगा, स्वयं पीछे से कोई सीरीज में लगा होगा, इधर रेजिस्टेंस या बैटरी जो भी होगा, स्वयं जल्दी आ जा भाई। ठीक है, अब मान लेते हैं करंट आई आ रहा है, करंट क्या आ रहा है, आई, ठीक है, आई करंट आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, इफ करंट आई इज जीरो, अगर करंट आई क्या है, जीरो है, तो नीचे जी में भी जीरो और ऊपर एस में भी जीरो, यस और नो, यस और नो भाई, जल्दी बोलो। ठीक है, अब अगर करंट बढ़ता है तो इसमें कुछ करंट एक्स और ऊपर आई माइनस एक्स, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है, पक्का क्लियर है। मैंने करंट और बढ़ाया, करंट और बढ़ाया तो ये एक्स बढ़ेगा, ठीक है यार, ये एक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और बढ़ाया ये एक्स और बढ़ेगा, और बढ़ाया ये एक्स और बढ़ेगा। अब जरा देखो, आई मैक्सिमम, यहां औकात आईजी है या नहीं है, पहले बताओ, गैल्वेनोमीटर में क्या आईजी से ज्यादा जा सकता है, नहीं जा सकता, तो यहां आईजी जाएगा तो ऊपर जाएगा आई मैक्सिमम माइनस आईजी। अरे पक्का ठीक है यार, अब एक बात बताओ, ऊपर वाला रेजिस्टर और नीचे वाला रेजिस्टर पैरेलल में है या नहीं है, मतलब इससे ज्यादा करंट आ ही नहीं सकता, अगर इससे ज्यादा करंट भेजोगे तो ये गैल्वेनोमीटर ही खराब हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा तो एमीटर ही आपका पूरा खराब हो गया, सारा खेल ही बिगड़ गया। अरे यस और नो, ठीक है, तो आई मैक्सिमम जब होगा तो उस मोमेंट पे करस्पॉन्डिंग करंट इन गैल्वेनोमीटर विल बी आई जी, अब जरा देखो। हाँ हर्षित, एक्स बढ़ेगा, क्या दिक्कत है तुझे, बता बोल, अगर मैं ये आई बढ़ाऊंगा तो एक्स बढ़ेगा, क्या दिक्कत है, ऊपर भी बढ़ेगा, ऊपर घटेगा कैसे, आई नहीं बढ़ रहा है हर्षित,
ठीक है। अब सुनो भाई, अब क्या कहानी, ये दोनों किसमें आ गए, पैरेलल में। ये दोनों जब पैरेलल में आ गए तो आई मैक्स माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। अब मेरी बात सुनो गगन, अभी मत लिख, तेरी बात का अभी जवाब आ जाएगा, परेशान ना हो। अब क्या कहानी है, आपको गैलोमीटर जब भी दिया होता है स्कूल में तो उसका रेजिस्टेंस लिखा होता है उस डब्बे पे और उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट लिखा होता है, तो आई जी और जी लिखे हैं। और जो शंट रेजिस्टेंस हम लगाते हैं वो हम स्कूल में डब्बे में से निकालते हैं, उस पे कलर्स बने होते हैं, वो कलर्स देख के हम बता देते हैं शंट रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस कितनी है। तो एस भी पता है हमें, सिर्फ निकालना क्या आई मैक्स। तो जरा देखो, आई मैक्स नाउ कम्स आउट टू बी आई जी जी प्लस एस अपॉन एस, हाँ या ना। अब क्या कहानी हो गई, रेंज ऑफ एम मीटर स्वयं देख ले भाई, रेंज ऑफ एम मीटर क्या हो गया, जीरो से लेकर के ये आ गया कि नहीं आ गया भाई, यस और नो, आ गया सबको क्लियर है एम मीटर, सबको एम मीटर क्लियर है पक्का। चलो अब एम मीटर की कहानी हो गई, कोई इशू है किसी को एम मीटर में, नहीं। चलो अब देखो, अब हम आते हैं डीसी वोल्ट मीटर। गगन तेरे सवाल का जवाब आ गया होगा कि जो आई मेजर कर सकता है मीटर वो जीरो से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू तक मेजर कर सकता है, तो बीच में लिखने की जरूरत नहीं होती। मौलिक कह रहा रेंज बता दो, अरे यार आई मैक्स ये निकाला मौलिक, रेंज ये लिखी हुई है जीरो से लेकर आई मैक्स तक, ठीक है। अब सुनो भाई, अब देखो भाई, वोल्ट मीटर डीसी, अब मेरी बात सुनो, इट इज यूज्ड टू मेजर डीसी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्किट एलिमेंट। डीसी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है, क्लियर है, अरे क्लियर है भाई, ठीक है। अब सिंबल क्या है इसका, रेजिस्टेंस इसका आर वी, ठीक है। अब पहले हम वही कहानी करेंगे कि ये लगेगा कैसे, ठीक है, इतनी बात सर्किट में, और कैसे मेजर करेगा एरर वगैरह की बात, फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन लास्ट में, ठीक है। चलो एक एक करके कर लेते हैं। अब मेरी बात सुनो, सपोज ये है, अब एक बात बताओ, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस थ्योरेटिकली इज ई, हां या ना, अरे यस और नो। अब मैंने क्या करा, पहला केस, इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में वोल्ट मीटर लगा दिया, अब एक बात बताओ यार, अब जो वोल्टेज आएगी इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस V1 और इसके अक्रॉस V2, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू ई, ध्यान सुनना, ये रुको, आई आई इज ई अपॉन आर प्लस आर वी, हां या ना, ठीक है। अब हम क्योंकि मेजर कौन सी करेगा, ये वाली मेजर करेगा भाई, ये एक्सपेरिमेंटल हो गया, क्योंकि रीडिंग तो कहां पर आएगी, जो हमने डिवाइस लगाया उसमें आएगी ना रीडिंग, तो किसको मेजर करेगा, अक्रॉस द वोल्ट मीटर। तो भाई वोल्टेज एक्सपेरिमेंटल
इज आई इंटू आर वी विच इज ई आर वी अपॉन आर प्लस आर वी। पहली बात तो ये वोल्टेज इसके अक्रॉस की नहीं है, तो इसलिए अगर हम सीरीज में लगा रहे हैं तो हम रिक्वायर्ड वोल्टेज मेजर ही नहीं कर रहे हैं। अरे यस और नो, वी एक्सपेरिमेंटल इज नॉट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, देयरफोर वोल्टमीटर शुड नॉट बी इन सीरीज टू सर्किट एलिमेंट। क्लियर है भाई? चलो अब एक काम करते हैं, दूसरा केस देखते हैं। पहले थ्योरेटिकल देख लें, इसके अक्रॉस बताना है। तो V थ्योरेटिकल इज E अपॉन R प्लस R, हाँ या ना? अरे यस और नो, जल्दी बोलो। ठीक है, अब मैंने पैरेलल में लगाया, अब एक बात बताओ, चाहे कुछ भी हो, V एक्सपेरिमेंटल जो ऊपर वोल्टेज आएगा दैट वुड बी इक्वल टू V अक्रॉस R और नॉट, पैरेलल में दोनों, हां या ना? पक्का ठीक है? V अक्रॉस R, ठीक है। अब अरे ये वोल्टेज गलत आ गई थी, यहां पर आर होना चाहिए, ठीक है, वी अक्रॉस आर, देयरफोर वोल्ट मीटर मस्ट बी इन पैरेलल टू सर्किट एलिमेंट, यस और नो? ठीक है, आज यहीं तक करेंगे भाई, ठीक है, अगली क्लास में इसके कंस्ट्रक्शन और आगे बात करेंगे, ठीक है, चलो एरर वगैरह की बात अगली क्लास में।